न्यूज और मैं हूँ आपके साथ नेहा। समाजवादी पार्टी की बात आज हम कर रहे हैं यहाँ पर। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी यानी कि यादव परिवार की दोनों बहुएं अपर्णा यादव और डिंपल यादव अब राजनीति में छलांग मार चुकी हैं। अपर्णा यादव की बात करें तो बीजेपी में शामिल हो गई थी, डिंपल यादव की बात करें तो नेताजी के साथ हमेशा रहती थी, लेकिन नेताजी के जाने के बाद अब यहाँ डिंपल यादव पर और ज्यादा जिम्मेदारी आ चुकी है। हालांकि अखिलेश यादव के पास तो जिम्मेदारी परिवार पार्टी दोनों की है, लेकिन डिंपल यादव बीजेपी से लड़ाई में कूद चुकी है। आपको बता दें कि मैनपुरी सीट हमेशा समाजवादी पार्टी की रही थी, नेताजी का दबदबा हमेशा से मैनपुरी सीट पर रहा था, लेकिन यहाँ पर मैनपुरी सीट को लेकर इस बार बीजेपी भी पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी ने अपर्णा यादव को उतारने की पूरी तैयारी कर ली है और दूसरी तरफ यहाँ अगर बात की जाए तो डिंपल यादव पीछे नहीं हट रही है। ऐसा क्या कह दिया अपर्णा यादव ने कि डिंपल यादव इतने गुस्से में नजर आ रही है? आपको बता दें कि अपनी पार्टी को बचाने के लिए अपर्णा यादव यहाँ परिवार पर आरोप लगाती नजर आती है, क्योंकि उनको पहले पार्टी जरूरी है, परिवार बाद में है। लेकिन यहाँ पर पार्टी और परिवार के बीच में फंसी अपर्णा यादव क्या अपनी जेठानी डिंपल यादव के खिलाफ लड़ पाएगी? यहाँ ये एक बड़ा सवाल उठता है, सवाल उठना भी लाजमी है। डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ना यानी कि परिवार के खिलाफ लड़ना, क्या परिवार के खिलाफ जा पाएंगी अपर्णा यादव? यहाँ पर यह देखना बहुत जरूरी होगा कि अगर समाजवादी पार्टी जीतती है, समाजवादी पार्टी की ताजपोशी होती है, तो क्या अपर्णा यादव खुशी मनाएगी या गम, ये देखना जरूरी होगा। आज के लिए तो नहीं, फिर आपसे मिलूंगी किसी दूसरे मुद्दे पर, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा SPN9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।